तो दोस्तों आपको तो पता ही कि मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है और मैं आप लोगों के लिए समरी भी अपलोड करती हूँ। फिर मुझे एक ऐसी मार्केट के बारे में पता चला जहाँ पर बुक की स्टार्टिंग ओनली 10 रुपीज़ में होती है। तो चलिए चलते हैं उस मार्केट में एंड देख कर आते हैं कि वहाँ सच में 10 रुपए की बुक्स मिलती भी है या नहीं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए स्विस मार्केट का नाम है महिला हाट। तो इस मार्केट की स्पेशल बात ये है कि ये मार्केट सिर्फ संडे को ही लगती है, तो जब भी आप आओ ना तो संडे को ही आना। और धूप वगैरह बहुत ज़्यादा ही होती है, इसलिए अपने साथ ना पानी वानी की बॉटल साथ लेकर आना और बैग्स वगैरह जरूर लेकर आना। यहाँ पर इतनी सारी बुक्स है ना और इतनी ज्यादा सस्ती है कि आप अपना पूरा बैग भर के लेके जा सकते हो। सो ये है हमारी फर्स्ट शॉप जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज में बुक मिल रही थी। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं। यहाँ पर रिच डैड पुअर डैड भी है, सीक्रेट भी है, पॉजिटिव थिंकिंग भी है एंड इनके पेजेस देखो, इनके पेजेस भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि 50 रुपीज में मिल रही तो पेजेस बेकार होंगे। को देखो टू एपिक शीट जो कि आप अगर ऑनलाइन खरीदोगे तो 250 की या 300 की मिलेगी, यहाँ पर ओनली 50 रुपीज की मिल रही थी एंड पेजेस भी बहुत ज्यादा औसम थे, एकदम परफेक्ट एंड बिल्कुल न्यू बुक थी। तो यहाँ पर ना हमारे साथ एक कुपट हो गया, इन भैया को ना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि हम रिकॉर्ड करें, इस चक्कर में इन्होंने हमें बुक्स ही नहीं दी। तो आप जाओ ना तो रिकॉर्डिंग मत करना, ऐसे ही बुक लेकर आ जाना तो शायद आपको देते। सो ये है हमारी देखो दूसरी शॉप जहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी बुक्स हैं और सारी इंग्लिश में ही है एंड इस वाली शॉप पर जो एलन मस्क की जो बुक है वो ओनली 100 रुपीज में मिल रही थी और आप बाहर से लोगे तो आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली मिलेगी। और ये ब्रैनसन की बुक ओनली 100 रुपीज में थी। आप सोच सकते हो इतनी अच्छी इसकी पेजेस की क्वालिटी है, सब कुछ है और ये सिर्फ वहां पर 100 रुपीज में मिलती। और ये मैं नेक्स्ट शॉप पर गई, बहुत छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी कॉमिक्स थी एंड ये मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी एंड पेजेस भी बहुत ज्यादा अच्छे थे एंड ये वहाँ पर ओनली 30 रुपीज में मिल रही थी। एक मुझे पसंद भी आई थी लेने के लिए पर मेरे भाई ने मुझे लेनी नहीं थी, बहुत बेकार है। सो हम नेक्स्ट शॉप पर गए जहाँ से मैंने कुछ बुक्स वहाँ से परचेज की हैं। सो जो मैंने फर्स्ट बुक पिक की थी वो थी बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। बाद में वो जीत वाली बुक थी जिसके पेजेस की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। ये बेबीलोन वाली बुक मुझे ओनली 50 रुपीज में मिली थी एंड ये जो दूसरी वाली थी जीत वाली ये उन्होंने 70 रुपीज में मेरे को बताई थी। मैंने उनसे $100 स्टार्टअप मांगी थी। ये बुक अगर आप ऑनलाइन परचेज करोगे तो 250 की या फिर 300 की मिलेगी, वहाँ पर ओनली 80 रुपीज में उन्होंने मेरे को दे दी थी। एंड इस वाली शॉप पर बहुत सारी बुक्स हैं, आप देख सकते हो बहुत ज्यादा बुक्स हैं और हर एक बुक आपको मिल जाएगी। हिंदी में मैंने बोला ना जैसे कि डिफिकल्ट होता है बट इंग्लिश में आपको ईजिली मिल जाएगी। पावर ऑफ 48 टूल्स ये बुक हमें थोड़ा सा शातिर बनाना सिखाती है, ये वाली भी बुक उन्होंने मेरे को 70 रुपीज में बताई एंड ये गोल्स वाली भी ऑलमोस्ट 70 रुपीज की ही थी। परचेज की थी। सो नेक्स्ट स्टॉप पर गई थी, ये आप डायरी देख सकते हो उसके पेजेस कितने ज्यादा अच्छे हैं एंड ये डायरी ओनली 100 रुपीज की थी। तो मैंने यहाँ से बुक खरीदी एटीट्यूड इज एवरीथिंग, ये भी मुझे सिर्फ 50 रुपीज में मिली थी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कितनी क्यूट क्यूट बुक्स हैं एंड ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बुक्स हैं। ब्रेव वाली भी थी एंड जितनी भी डिज्नी प्रिंसेस होते हैं ना उस टाइप की बुक थी एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी एंड ये ओनली 50 रुपीज में थी। आप अपने बच्चों के लिए भी आराम से स्टफ़ खरीद सकते हो, यहाँ पे ना हर तरीके का स्टफ़ मिलता है एंड इनके पेजेस की क्वालिटी वगैरह ही बहुत अच्छी है।
जब आप इन बुक्स को ऑनलाइन खरीदते हो ना तो ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है। बस यहाँ पर ना एक चीज़ मत खरीदना, अगर आप स्टेशनरी का सामान खरीदना चाहते हो ना तो वो बिल्कुल मत खरीदना। जब मैंने उनसे वो हाइलाइटर का प्राइस पूछा ना तो उन्होंने 40 रुपीज़ बताया, अपने लोकल मार्केट में मुझे ओनली 25 का मिला था, मैंने लिया ही नहीं। फिर लास्ट में मुझे ये बुक शॉप मिली जहाँ पर बुक्स ओनली 30 रुपीज़ में थी। आप देख सकते हो यहाँ पर हर एक नोबल्स भी हैं, ऐसा नहीं है नोबल्स नहीं है, नोबल्स भी हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स भी हैं बहुत सारी, जैसे लाइक ईडेट हो गई, हुक हो गई, ये सारी बुक्स, एंड इनकी पेजेस की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी एंड ये ओनली 30 रुपीज़ में ही मिल रही थी। तो इस वाली शॉप पर ज़रूर जाए। आप अगर भक्ति से रिलेटेड बुक्स पढ़ना चाहते हो, भगवान के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहते हो, वो भी बुक्स आपको इजीली मिल जाएंगी। तो अगर आप CBSE के स्टूडेंट हो ना तो भी आपके लिए बुक्स मिल जाएंगी। ये जो RD शर्मा की मैथ की जो बुक है ना, मैंने भी 7-8 रुपए की खरीदी थी, पर लेकिन वहाँ पर ओनली 150 की मिल रही थी, अच्छी क्वालिटी में थी, अच्छे पेजेस वगैरह सब अच्छे थे। एंड आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, जैसे भी लगा हो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड आपको अगर लगता है कि मुझे और ब्लॉग बनाने चाहिए और ऐसी मार्केट सर्च करनी चाहिए तो भी मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। सो बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वन।